दोस्तों जैसा कि मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपको अपने हाथों को मस्कुलर बनाना है, अपने आर्म्स के साइज को बढ़ाना है, तो आपको अपने ट्राइसेप मसल्स को सही से ट्रेन करना होगा। आज के वीडियो में आपको ट्राइसेप का वर्कआउट बताऊंगा। और एक बात को ध्यान रखना, जब भी हम ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करते हैं तो हम उसमें कौन सा मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, हम पुश मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब धक्का देने वाला मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो हम अपने ट्राइसेप मसल्स के इस्तेमाल करते हैं, जब अपने हाथों से किसी चीज को पुश करते हैं तो ट्राइसेप मसल सबसे ज्यादा वहां पे एक्टिवेट होती हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्कआउट होंगे जिन्हें घर पे करके, और ऐसे भी वर्कआउट आपको बताऊंगा जो घर पे तो कर ही पाओगे साथ में जिम में भी परफॉर्म कर पाओगे, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहली अपनी ट्राइसेप वर्कआउट पे आते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप। देखिए नॉर्मल पुशअप आप लोगों ने लगाया होगा, अब इसी पुशअप में आपको करना क्या है, आप लोगों को इस तरीके से पुशअप की पोजीशन में आना है और कुछ इस तरीके से आप लोगों को पुशअप परफॉर्म करना है। इसमें आप लोग अपने पूरे पूरे ट्राइसेप मसल्स का इस्तेमाल करोगे, मतलब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है होम वर्कआउट के लिए, जो आपके ट्राइसेप मसल्स को तेजी से ग्रो करती है। इस एक्सरसाइज की जितने रिपीटेशन निकाल पाओ उतने रिपीटेशन निकालने की कोशिश करना, समय के साथ में रिपीटेशन को बढ़ाते जाना। नेक्स्ट वर्कआउट की बात करते हैं, जिसे हम बोलेंगे बॉडी वेट स्कल क्रशर। देखिए बॉडी वेट स्कल क्रशर में हमें क्या करना होता है, किसी भी सोफे पे आप लोग इसको कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो किसी भी बेंच पे या फिर किसी भी रॉड पे बार पे इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। आप लोग को धक्का देने वाला मूवमेंट परफॉर्म करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं। जितने अच्छे से इस बात को समझोगे, धक्का देने वाले मूवमेंट में आपको अपने माइंड को और मसल्स का कनेक्शन बनाना होगा कि हमें अपने हाथों से धक्का लगाना है तभी ट्राइसेप मसल्स एक्टिवेट होगी। इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने ज्यादा रिपीटेशन निकाल पाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोशिश ये करना समय के साथ में रिपीटेशन बढ़ाना है हर एक वर्कआउट का, तभी आपकी मसल धीरे-धीरे ग्रो होगी। नेक्स्ट वर्कआउट की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलेंगे ट्राइसेप किकबैक। इसमें आप लोग चाहो तो अपने हाथ में डंबल ले सकते हो या किसी भी भारी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे अच्छा जो होता है वो बॉटल होती है, पानी भर लो बॉटल में। इस तरीके से आप लोग को ट्राइसेप किकबैक को परफॉर्म करना है, अपने एक हाथ से भी परफॉर्म कर सकते हो और चाहो तो दोनों हाथ में बोतल लेके इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। ट्राइसेप किकबैक करने से आपके ट्राइसेप मसल्स एक्टिवेट होते हैं और मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से होता है। जितनी भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना, सभी एक्सरसाइजेस में ये कोशिश करना कि मसल्स माइंड कनेक्शन बनाना ट्राइसेप से, मतलब आप लोग जब एक्सरसाइज करो तो आपको फील होना चाहिए कि आपकी ट्राइसेप मसल्स पे वर्क हो रहा है, तभी आपके लिए बेस्ट होगी एक्सरसाइज। उसके बाद अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं स्कल क्रशर। देखिए स्कल क्रशर में आप लोग चाहो तो डंबल ले सकते हो, बारबेल ले सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो घर में कर रहे हो तो बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, घर में डंबल हो तो डंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को करना है स्कल क्रशर, जमीन पे लेट जाना है, बेंच हो तो बेंच पे लेट जाना है और इस तरीके से अपने दोनों हाथों को पीछे लाके और फिर ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को नीचे लाना है फिर ऊपर उठाना है। इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, आपके ट्राइसेप मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन निकालने की और ज्यादा से ज्यादा सेट्स करने की, जितने सेट परफॉर्म करोगे उतना ही ट्राइसेप मसल्स अच्छे से ग्रो होगा। नेक्स्ट वर्कआउट की बात कर लेते हैं, जो होगा हमारा सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन। ट्राइसेप एक्सटेंशन नॉर्मली इस तरीके से लगाया जाता है, डंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी भारी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपको बॉटल से करके बता रहा हूं। इस तरीके से एक्सरसाइज आप लोग को परफॉर्म करनी है, सिंगल हैंड में आप लोग को लेना है, अपने बॉटल या डंबल जो भी ले लो, इस तरीके से ट्राइसेप एक्सटेंशन को परफॉर्म करते हैं। बेंच पे बैठ के करोगे तो बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज आपके ऊपर वर्क करेगी, ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। देखो जब भी ट्राइसेप का वर्कआउट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, ट्राइसेप मसल्स जो होती है वो बहुत बड़ी मसल्स नहीं होती है, मतलब हमारी बॉडी में बहुत बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं तो ट्राइसेप मसल्स उन मसल्स के मुकाबले बहुत छोटी होती है, तो बहुत ज्यादा हैवी वेट से करने की कोशिश मत करना। अगर आप लोग कम वेट लोगे, मतलब कम वेट लेके और ज्यादा रिपीटेशन निकालोगे, जैसे आप लोगों ने मान लो कि 5 किलो वेट लिया और 5 किलो वेट से अगर आप लोग 15 रिपीटेशन 20 रिपीटेशन निकाल रहे हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा। अगर आप लोग 10 किलो का वजन ले रहे हो और केवल 5 रिपीटेशन निकाल रहे हो तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन निकालने होते हैं, तभी वो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बेनिफिट करता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत बार कमेंट में पूछा है कि हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, डाइजेस्टिव हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। तो देखिए आज मैं आपको बताना चाहूंगा वाओ लाइफ साइंस के प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर के बारे में। ये करता क्या है, सबसे जरूरी चीज ये आप लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आप लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आप लोग बार बार बीमार नहीं पड़ोगे। इसमें आप लोगों को कैरेट पाउडर मिलता है जो आप लोग का इन्फ्लेमेशन कम करता है, उसी के साथ में ये आप लोग के ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने में कम करने में मदद करता है।
इसमें आप लोग को लेमन पाउडर मिलता है जो आप लोग का डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ में इसमें पोमोग्रेनेट पाउडर भी होता है जो आप लोग के ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखता है, उसे सपोर्ट करता है। उसी के साथ में ये आप लोगों की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कैसे इस्तेमाल करना है, वाओ लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखो इसके अंदर आप लोग को छोटा सा एक स्पून दिखेगा। आप लोग को क्या करना है, 200 ml पानी लेना है, छोटे गिलास में पानी लेना है और उसमें आप लोग को इसका एक स्कूप निकाल के डालना है और उसको मिला के आप लोगों को पी जाना है। तो आप लोग जैसे ही इसका इस्तेमाल करना शुरू करोगे, देखोगे कुछ ही दिन में आप लोगों के हेयर्स की प्रॉब्लम सही होने लगेगी, उसके साथ में इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप लोगों के बॉडी में बहुत ज्यादा आप लोगों को एनर्जी फील होगी। मैं आप लोगों को वाओ लाइफ साइंस के प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। वाओ की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट लेने पे आप लोग को प्लांट सीड्स मिलते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं जो आप लोग को एक पाउच में मिलता है। ये आप लोग अपने घर में किसी भी प्लांट में लगा सकते हो, गमले में लगा सकते हो, घर के बाहर भी आप लोग इसे लगा सकते हो। और जो वाओ की हैशटैग वाओ ग्रीन हैंड्स इनिशिएटिव चल रही है, इसमें आप लोग पार्ट ले सकते हो। सो ज्वाइन द इनिशिएटिव नाउ एंड बी वाओ नेचुरली। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की, जो कि है डायमंड पुशअप। आप सभी को पता है कि डायमंड पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप मसल्स के लिए, साथ में आपके चेस्ट मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से डायमंड का शेप बना के हम इस तरीके से वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। अपने ट्राइसेप मसल्स को अगर ग्रो करना चाहते हो तो इस वर्कआउट को भी आप लोग अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड जरूर करना। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की, जो कि होता है ट्राइसेप डिप्स। ट्राइसेप डिप्स को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने घर में, बेंच पे आप लोग या सोफे पे या बेड पे कुछ इस तरीके से वर्कआउट अगर करते हो तो ये आपकी ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जितने भी मैंने आपको आज ट्राइसेप के वर्कआउट बताए, इन सभी वर्कआउट्स को आप लोग परफॉर्म कर सकते हो तो आपके ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि 30 दिन अगर आप लोग रोज पुलअप्स करते हो तो आपकी बॉडी पे क्या-क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस समय जो स्क्रीन पे आप लोग को वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को देख लो। इसमें आपको बताया गया है कि पुलअप्स कैसे करना है और पुलअप्स करने से आपके शरीर पे क्या-क्या असर पड़ता है।